सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आज हम बात करेंगे कैसे आप व्हाट्सएप की स्टेटस वाली स्टोरी को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भूलना, एक आपका छोटा सा लाइक मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू पे दबाइए, उसके बाद परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पे अपना नंबर भर दीजिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पे दबा दीजिए। नेक्स्ट पे दबाने के बाद ये कनेक्टेड आ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे दबाइए, फिर यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और वेरीफाइंग हो जाएगा, उसके बाद स्किप कर दीजिए, फिर स्किप रिस्टोर कर दीजिए। अगर रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर पे दबा दीजिए, उसके बाद ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्लोज पे दबाइए, राइट को स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपका किसी का स्टेटस आ जाएगा। अगर किसी का स्टेटस डाउनलोड करना तो उसके स्टेटस पे जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउनलोड का आइकन बनाया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपका स्टेटस डाउनलोड हो जाए। तो आगे मैं आपको जिसका मैंने स्टेटस डाउनलोड किया आपको मैं दिखाता हूँ। गैलरी में जाइए, गैलरी में जाकर व्हाट्सएप स्टेटस नाम का एक फोल्डर बना होगा और आप देख सकते हो मैंने ये स्टेटस लोगों के डाउनलोड किए हैं। तो ऐसे करके आप किसी भी व्हाट्सएप की स्टोरी को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हो, चाहे उसकी उसने फोटो अपलोड की हो चाहे वीडियो अपलोड की हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इंतजार किस बात का, इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।